70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। मुकाबला इस बार भी भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय है। इससे पहले दिसंबर 2013 में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस के समर्थन से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार महज 49 दिन ही चल पाई थी। जन लोकपाल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2014 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद तमाम संभावनाएं तलाशी गईं, लेकिन सरकार गठन का कोई रास्ता नहीं निकल सका और दिल्ली को राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया गया। 2013 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी जरूर, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई। अपनी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर भाजपा को 32 सीटें हासिल हुई, जो बहुमत से 4 कम थी। सबको चकित करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें हासिल की, जबकि 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दिल्ली में धमाकेदार प्रदर्शन रहा और दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई। आप सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें तो बीजेपी 70 में से 59 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि आम आदमी पार्टी को 9 और कांग्रेस को महज 2 सीटों पर बढ़त मिली। इस बार दिल्ली का सिंहासन किस पार्टी को मिलेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के उदय ने दिल्ली की परंपरागत दो तरफा लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और उनकी विकास की छवि के सहारे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद कर रही है। पिछले चुनाव में जहां डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टी का चेहरा बने थे, वहीं इस बार पार्टी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। हाल में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन से भी बीजेपी में उत्साह है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के 49 दिन और जनता के सरोकार से जुड़े काम को आगे बढ़ाने के दावे के साथ एक बार फिर सत्ता के गलियारे में वापसी को बेकरार है। वहीं कांग्रेस भी इन दोनों दलों पर निशाना साधकर अपना प्रदर्शन सुधारने की कोशिश कर रही है। जाहिर है इस बार दिल्ली का दंगल बेहद रोचक हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 का रण तैयार है। तीनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और आप, अपने सेनापतियों और महारथियों को इस चुनावी जंग में उतार दिया है। रणभेरी बच चुकी है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 673 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक दूसरे को हराने के लिए शह और मात का खेल जारी है और इस खेल की बारीकियों पर जनता नजर रखे हुए है। जनादेश टीम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।